प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने हिसाब से एटीएम तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दिए हैं, लेकिन ना ही सुरक्षा है ना ही उनकी कोई व्यवस्था है। जहां लोग पैसा निकालने के लिए अपना पैसा देते हैं और उनका पैसा कट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात सामने आ रही कि एटीएम में किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो दुकानें मौजूद हैं उस दुकानों पर लोगों को अग्नि परीक्षा देकर पार करना पड़ता है। इस सब का जवाबदार आखिर कौन है? ऐसे एटीएम अगर बनाए गए हैं तो इसकी जवाबदारी भी लेना चाहिए, इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी होना चाहिए और उपभोक्ताओं के लिए जो परेशानी ना हो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। एटीएम जो बनो है आपके तो इसमें कितने तक की राशि निकल रही है? 2000। एटीएम में सुरक्षा का रखा है, रखी गई है सुरक्षा गार्ड बन है? तो जो एटीएम कौन के दम पे चल रहा है? अगर जैसे ये मैं कौन हूँ, अगर घटना क्रम हो तो तुम्हारे घर में हो तो ये किला में दिक्कत नहीं हुई आपको? कंपनी हुई है वो है, कंपनी को क्या वो है? सुरक्षा का छू नहीं रखी गई, अकेले कराव मिला थे आपको? कितना मिल रहा किराव? 4500 महीना। क्या नाम देखा था? एटीएम ऐसे कहते हैं, एटीएम सरकार और बैंक की एक सुविधा के हिसाब से एटीएम देश में महत्वपूर्ण है, मगर एक ऐसा एटीएम है जहां जाने में भी तकलीफ है और पैसा निकालने में भी तकलीफ है। सीधा हम आपको बताते हैं, ये खुला एटीएम है, जहां सुरक्षा की बात की जाए यहां पर कोई सुरक्षा भी नहीं दिखाई दे रही है और पैसा जो है इसमें लोग निकालते हैं। और ऐसी जानकारी भी हमें कई लोगों से मिली है कि जो पैसा उसमें फंस जाता है वो उसके लिए भी निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये भारत देश का एक ऐसा अद्भुत एटीएम है जहाँ तो ना सुरक्षा दिखाई दे रही है और निकलने में जितनी तकलीफ हो रही है, इसका तो भगवान ही मालिक है।